कि जब आप अर्जुन की बात सुन करके रथ को बीच में ले आए और उस समय आपने अपनी काल दृष्टि के द्वारा जितने भी अर्जुन के शत्रु थे उन सबके प्राण आपने खींच लिए। अर्जुन ने तो केवल वो शरीर गिराए हैं, प्राणों का हरण तो पहले ही आपने काल दृष्टि से कर लिया। गोपियां कहती हैं, प्रभु हम तो आपकी कृपा दृष्टि के अधिकारी हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, कृपा करो प्रभु, दर्शन दें। क्या शस्त्र से मारना ही वध है? दृष्टि से, आंखों से मारना मारना नहीं कहलाता है? और जब एक बात बताइए कि जब हम आपको, हमको इतना विरह दान देना ही था, हमें मारना ही था, तो फिर ये ब्रज में जितने जितने असुर आए उन असुरों से हमारी रक्षा क्यों की? हमें तभी मर जाने देते? वह मृत्यु हमें स्वीकार थी, लेकिन अब आपके दर्शन के बिना एक क्षण भी हम नहीं रह पाए। गोपी कहती है, विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता पुरुष शिरोमणि, कितने कितने जगह आपने हमारी रक्षा की। देखिए, हृदय में दैन्य भाव लाना हो तो प्रभु के उपकारों को याद करो। हम तो बोलते हैं प्रभु और कृपा हो जाए, कृपा हो जाए, लेकिन जो कृपा उन्होंने की है, जो उपकार किया है, उसको तो याद कर। हम तो बस मांगते रहते हैं और कृपा हो हो, लेकिन जो किया है, अरे सबसे पहली कृपा तो भी मानव जन्म दिया हमको। सबसे बड़ी कृपा ये कि मानव जन्म मिला, उसमें भी धर्म के लिए प्रीति दी, प्रेम दिया, ये भी ईश्वर की कृपा है। धर्म के लिए प्रीति, और उसमें भी हमें श्रेष्ठ गुरु श्री महाप्रभु जी जैसे गुरु मिल गए, कितनी महद कृपा है। और वह श्री महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा की, पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट किया, और श्री महाप्रभु जी ने कहा कि मैं तो को अपनो सर्वस्व दे रहे हूं, तू वाकू अपनो सर्वस्व जानी के सेवा करियो। अरे श्री महाप्रभु जी ने अपने सर्वस्व का दान, श्री कृष्ण का दान कर दिया कि इनकी सेवा करो, और इससे ज्यादा और क्या कृपा। यानी जो कृपा उनने हम पर की है, उनके उपकारों को याद करो। सुंदर शरीर दिया, धर्म के लिए प्रीति, श्री महाप्रभु जी जैसे गुरु, सेवा का अधिकारी बनाया, कितने कितने उपकार प्रभु ने हम पर किए हैं। गोपियां कहती हैं कि वह यमुना जल में जो विषैला जल था, उससे आपने व्योमासुर, अगासुर, इंद्र की वर्षा, कई जगहों पर प्रभु आपने हमारी रक्षा करी। तो जब हमारी रक्षा करनी ही थी, हमारे प्राणों को बचाना ही था, तो आज हमसे क्यों छिप रहे हो? अब आपके दर्शन के बिना हम महा दुखी हो रही हैं। हे करुणा करने वाले, हे दयित, हमारे पर कृपा करे, हमें दर्शन दो। आप तो विश्व का कल्याण करने के लिए पधारे। हम जानते हैं कि केवल आप कोई यशोदा के या देवकी जी के बालक नहीं हो। नथलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना विश्व गोपे स
हम जानते हैं आप सिर्फ यशोदानंद नहीं है, जीव मात्र के अंतर में विराजे हुए आत्मदृष्टा है, व्यापक है, अंतर्यामी है, सब जीवों के अंदर की बात आप जानते हैं। क्यों तो क्या हमारे अंतर की बात आप नहीं जानते? पृथ्वी जी के दुख को दूर करने के लिए, ब्रह्मा जी की विनती स्वीकार करने के लिए आपने ये पृथ्वी पर अवतार धारण किया, इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, इसके दुख को दूर करने के लिए। तो एक बात बताइए कि ये पृथ्वी पर कहीं हमारी गिनती है या नहीं? आप तो विश्व का कल्याण करने के लिए पधारे हैं, जो कहीं हमारी जरा सी गिनती हो प्रभु, तो हमसे छुपो मत, हमसे रूठो मत, हमें दर्शन दीजिए प्रभु। ब्रज जनार्ती हन वीर योशिना निज जन स्मय द्वंसन स्मित भज सखे भव किंकरिष्मनो जलरुहा तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् प्रभु। कहीं गुप्त रीत से हमारे अंदर अभिमान आ गया, आप अपनी कृपा दृष्टि, आपके मुखारविंद की सुंदर हास्य की उज्जवल रेखाएं बड़े बड़े का मद अभिमान दूर करने के लिए काफी है। तो प्रभु हमारे अंदर कहीं अभिमान आ गया था, तो आप अपना सुंदर हंसता हुआ मुखारविंद, उसकी उज्जवल रेखाएं दिखा देते, हमारा अभिमान दूर हो जाता। आपके हास्य के सामने किसी का अभिमान नहीं टिका, वो हास्य की उज्जवल रेखाएं दिखा देते। तो ये इस प्रकार से छुप जाना, प्रभु समय निकलता जा रहा है, हमारे प्राण निकलते जा रहे हैं। आप कहो कि ये प्राण निकल दे जा रहे हैं तो अभी तक निकले क्यों नहीं? प्रभु प्राण न निकले इसका कारण, जब हम जान जाएंगे कि ये हमारा शरीर आपके लायक नहीं है, तो प्राण अपने आप निकल जाएंगे। लेकिन हम जानती हैं कि ये हमारा शरीर, हमारे प्राण आपके लायक है, तो इसी वजह से हमारे प्राण टिके हुए हैं। प्राण हमारा टिका हुआ है, उसका एकमात्र कारण तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरिंडितम कल्म शापहम। बस आपकी कथा अमृत का पान, निरंतर उसी लीला का गुणगान हम कर रही हैं, जिसके वजह से ही हमारे प्राण टिके हैं। मुझे, मैं यहां पे आया, मुझे एक चिट्ठी यहां पे मिली, उसमें एक प्रश्न लिखा हुआ था।
कि जब तक वह दर्शन ना हो तो मन को शांत कैसे करें। देखिए गोपी गीत में इसका उत्तर मिलता है। ये हमारे जो प्राण टिके हैं प्रभु, उसका एकमात्र कारण तव कथामृतम। बस जब तक भगवत दर्शन प्रादुर्भाव साक्षात्कार सानुभाव न हो, बस उनकी लीला का चिंतन करते रहो सतत। वैष्णव सत्संग कथा के बिना नहीं रहता। कितने सुंदर सुंदर सतग्रंथ हैं, ग्रंथों को घर में बसाएं, उन ग्रंथों का सेवन करें। अब तो इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ प्रकाशित, हम घर में बैठ के सत्संग कर सकते हैं। पहले का ऐसा समय था, न ग्रंथ मिलते न वैष्णव ऐसे मिलते। वो एक वैष्णव गांव में कोई वैष्णव नहीं तो सत्संग करने के लिए दूसरे गांव में जाता। एक दिन वह वैष्णव दूसरे गांव में सत्संग के लिए जा रहा था, वन में से निकला और ब्रह्म राक्षस ने आके उसका मार्ग रोक लिया। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मार। वह वैष्णव कहता है, अरे तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन एक एक मेरी विनती तो सुन लो। आज एकादशी का दिन है, आज उस गांव में दूर दूर से वैष्णव आएंगे, बड़ा सुंदर कीर्तन सत्संग होगा, मुझे आज जाने दो। सत्संग श्रवण करके सत्संग में जाकर फिर मैं यहां तुम्हारे सामने आऊंगा, तुम्हारे जो करना हो मारना हो तब कर लेना, लेकिन आज का ये अवसर लाभ मुझे लेने दो। वचन दिया। ब्रह्म राक्षस ने कहा ठीक है। वह वैष्णव गया दूसरे गांव में, सत्संग किया और खूब आनंद लेकर वापस लौटा, क्योंकि वचन दिया हुआ था। कहा कि अब तुझे जो करना हो कर। ब्रह्म राक्षस कहता है कि तेरा सत्संग जो तूने किया उसका फल मुझे दे। वैष्णव मन में सोचने लगा, रही ये सत्संग का फल ये ब्रह्म राक्षस को कैसे दूं। तभी भगवत प्रेरणा हुई कि वैष्णव ऐसे कठोर नहीं होते, वैष्णव तो वैष्णव पर दया करते हैं, जीव मात्र पर प्रेम करते हैं। और वह वैष्णव ने सत्संग का फल वह ब्रह्म राक्षस को दिया, वह राक्षस का उद्धार हो गया। ऐसी सत्संग के लिए लालाई, एक गांव से दूसरे गांव में जाते और वह सत्संग के फल द्वारा अधम से अधम जीव का भी उद्धार हो जाए। तो ये आज का समय तो काफी अच्छे सुंदर ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का सेवन करें, हमारी सुंदर भावनाएं बनी रहे। जो हमारी भक्ति रूपी यमुना है, वह जो भक्ति है, वह बीज जो भाव है, उसको अंकुरित फलित करना हो तो सत्संग द्वारा ही वह फलित हो। जैसे शरीर का पोषण करने के लिए भोजन जरूरी है, उसलिए आत्मा प्रेम भक्ति का पोषण करने के लिए भजन जरूरी है। जो भोजन ना हो तो शरीर का पोषण ना हो, शिथिल हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। उसी प्रकार से नित्य सत्संग ना हो, वांछन ना हो, तो जो हमारा भक्ति बीज जो भाव है वह निर्बल हो जाएगा। तो भक्ति के पोषण के लिए भजन जरूरी है, और वही अमृत के समान है कि आपके भक्ति भाव को प्रकट रहने देगी, नहीं तो वह भक्ति भाव मर जाएगा। प्रभु आपकी कथा अमृत का सेवन, उसके चलते ही हमारे अंदर प्राण टिके। व्याकुल होकर गोपी कहने लगी, चल सियत ब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदर नाथ ते पदम प्रभु। आपके चरण कमल तो कोमल से भी कोमल सुंदर हैं। जब आप गौवें चराने पधारते हैं और उस समय हमारा मन बड़ा व्याकुल हो जाता है कि वह कोमल चरणारविंद में कहीं कंकर पत्थर न लग जाएं, वह सोच के ही हमारा मन व्याकुल हो जाता है
और आप हमसे छिपने के लिए अभी वन वन भटक रहे हो। एक बार तो एक सखी ने कहा यशोदा मैया से, अरे यशोदा मैया तेरो कन्हैया गौचारण के लिए जब जाए तो कम से कम वाकू पादुका तो धरायो कर, वाकू कंकर लगते होंगे, केसो सुंदर वाकू कोमल बालक है, कोमल चरण अरविंद है। और यशोदा मैया ने इतनी सुंदर एक ऐसी सुंदर जड़ावयुक्त पादुका सिद्ध करी, ले कन्हैया पैर। अब वो पादुका को लेकर वह जोड़ा को लेकर भगवान सीधे आ गए गौशाला में और गाय को धरावे लग गए। मैया कहे अरे लाला गाय वो पादुका धारण नहीं करे। मैया मेरी गैया जो पादुका धारण नहीं करे तो मैं भी पादुका धारण नहीं करूं, मेरी गैया ऐसे ही चले तो मैं भी ऐसे ही चलूं। प्रभु ब्रज में रहे तब तक नियम रखा था कि पादुका धारण नहीं करेंगे, केश नहीं कटाएंगे, शस्त्र को धारण नहीं करेंगे। तो जब तक प्रभु ब्रज भूमि में रहे बिना पादुका के चरणों तक चरण गंध चरण स्पर्श चरण रज चरणों के द्वारा प्रभु कृपा करते हैं। हमारा मन व्याकुल हो रहा है प्रभु दर्शन दे, हम सब कुछ अपना घर बार छोड़ के आई है। पति सुतान्वय भातृबान्धवा अति विलङ्घ्यते च्युतागता गतिविदस्तवो प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु कुल परिवार सब लोक लाज छोड़कर सभी की आज्ञा का उल्लंघन करके हम आपके पास आई हैं। संसार में हमारी आसक्ति हो आप हमारा त्याग करो ये बात समझ में आती है, हमसे रूठो समझ में आता है, लेकिन हम तो सब कुछ छोड़ के आई हैं, सब कुछ त्याग करके आई हैं। प्रभु समय निकलता जा रहा है, प्रकट हो जाए दर्शन। सुखदेव जी कहते हैं राजन कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियां वन वन भटकने लगी। देखिए एक ऐसा भाव बताते हैं बड़े बड़े आचार्य गुरुजन कि ये ब्रज परिक्रमा क्या है कि देखिए जब गोपियों कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो वो गोपियों ने कृष्ण को ढूंढने के लिए आर्द भावना के साथ ब्रज के 84 कोस मंडल में भ्रमण किया और कृष्ण को ढूंढा कि प्रभु कहां है। तो वो 84 कोस में उन्होंने परिक्रमा लगाई। तो इसी प्रकार से वर्तमान में भी हमारे अहंता ममता अहंकार के कारण जो प्रभु अंतर ध्यान हो गए हैं, जो आनंद हमारे अंदर से तिरोहित हो चुका है वह पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हीं गोपियों के लिए हमें भी वह ब्रज परिक्रमा करनी है। 84 कोस में जो गोपियों ने वो ब्रज परिक्रमा की, ये ब्रज परिक्रमा जो ब्रज यात्रा है ये सबसे पहले जो किसी ने परिक्रमा की हो तो उन गोपियों ने की कि 84 कोस में भ्रमण किया। और इसीलिए आज भी 84 कोस में हम ब्रज में भ्रमण करते हैं, नित्य सत्संग कीर्तन गान करते हैं कि वो जो आनंद तिरोहित हो चुका है फिर से हम प्राप्त करें, यही तो ब्रज यात्रा है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियददे महिकर विशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथ तेन किंस्वित् कुरुपादिभिर्भ्रमति दीर्भवदा। आपके सुंदर कोमल चरणारविंद, वह कोमल चरणारविंद को तो हम अपने हृदय पे पधराते हुए भी डरती हैं कि हमारे हृदय बड़ा कठोर है, वह कठोर हृदय से आपके चरणारविंद में कहीं चोट ना पहुंचे। पर आप तो वही कोमल चरणारविंद से वन मन में भटक रहे हैं, ये बात सोच सोच के ही हमारा मन व्याकुल हो रहा है।
श्री आचार्य चरण सुबोधनी जी में बताते हैं कि नहीं साधन संपत्या हरि तुष्यति कश्यचित्। भगवान को प्रसन्न करने का और कोई साधन नहीं है, दैन्यार्थ भाव से बस प्रभु को पुकारना, दैन्य भाव। जब ताप विरह भावना प्रकट हो, 10 लक्षण विरह के बताए, लालसो द्वेग जागर्या तानवम जड़ी मातृतु वे यज्ञम व्याचिरुन्मादो मोहो मृत्यु दशा दशा। 10 लक्षण विरह के बताए, मृत्यु का अंतिम लक्षण मृत्यु अवस्था। और अब वह गोपियां यमुना जल पर किनारे पर आकर, कई गोपी तो मूर्छित हो गई, कईयों के पूरे शरीर पीले पड़ गए, होंठ आंखें सूख गए। ऐसी अवस्था आ गई, कोई देहानुसंधान न रहा। प्रभु ने जाना कि अब ये गोपियों प्रेम के विरह से तप गई हैं। संयोग करते भी विप्रयोग को परम फल माना। जैसे सुनार सोनी होता है ना, उस सोने को शुद्ध करने के लिए क्या करता है, उसको तपाता है, और अग्नि से उसको तपाया तो वह सोना शुद्ध हो गया। उसी प्रकार से जब जीव विरह अग्नि में तपता है तो उसके मन के सब दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए विरह अग्नि ताप भाव जब तक जीव के अंदर ना हो तो अंतःकरण के दोष दूर नहीं होते। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा। सुस्वर जोर जोर से रोने लगी गोपियां। कोई भाव में रोता है, कोई अभाव में रोता है, और कोई प्रभाव से रोता है। वैष्णव भगवदीय जन होते हैं, प्रभु के भाव में आकर रोते हैं। संसारी लोग संसारी पदार्थों के अभाव में आकर रोते हैं, और भगवान अपने स्वभाव में आकर रोते हैं। प्रभु ने देखा कि अब ये गोपियों का अंतकरण शुद्ध हो गया। उसी समय उस गोपियों के मंडल में तासा मामिर मुच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बर धरस्त्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उन गोपियों के मंडल में सुंदर पीताम्बर श्रृंगार धारण करके उन गोपियों के मंडल में वृंदावन विहारी प्रकट हो गए। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल। और जहां भगवान प्रकट हो गए सभी गोपियों ने आकर घेर लिया कि अब कहीं ये दूर ना चले जाएं। सभी आनंद में आ गई। जो तेज चला गया था प्रभु के दर्शन करके, पुनः चेतना तेज उन गोपियों के अंदर आ गया। और कोई गोपी प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, कोई गोपी ने प्रभु के हस्तों को पकड़ा, सब अलग अलग श्रेयंग को पकड़ के उनकी सेवा करने लगी। और अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित राजा, उन गोपियों को परम फल देने के लिए भगवान ने एक विशाल सुंदर मंडल तैयार किया। रास का प्रारंभ हुआ। देखिए ये रास पंचाध्यायी क्या है, कामदेव के साथ किया हुआ युद्ध। जो भी देवगण हुए उनके अभिमान को मोह को दूर करने के लिए प्रभु ने एक एक लीलाएं की हैं। तो कामदेव को भी बड़ा अभिमान था, तो प्रभु ने कहा कि चल अपन दोनों युद्ध करते हैं। कि कौन सा युद्ध करेगा, किले वाला या मैदान वाला? कामदेव कहता है ये क्या होता है। भगवान कहते हैं कि एक मैदान वाला युद्ध होता है कि जिसमें मैं हजारों स्त्रियों के बीच में होऊंगा, और उस समय तू मेरे मन को विचलित करके बता। अच्छा, और किले का युद्ध, एक किले एक भवन में मैं बैठ जाऊंगा और वहां तू मेरे मन को विचलित करके बता। कामदेव कहता है प्रभु हो जाए मैदान का युद्ध। तो ये रास लीला जो है कामदेव के साथ किया हुआ युद्ध है। 5 बाण उसने चलाए हैं और कामदेव पर भगवान ने विजय प्राप्त की है ये रास लीला द्वारा। विशाल मंडप तैयार हुआ, दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण, और महारास प्रारंभ हो गया। आइए वह महारास का हम आनंद लें। आस भर्या मैं मारे वाले रमाड़ा रास रे आवे ले आशा भर्या रे। आशा भर्या महारास प्रारंभ
आसरे आवेल आशब जी सरल पुनमनी रात्री ने काही तालियां बजाते हुए सबको झूमना है आवेल आशा भरा रे शरद पुनमनी रात्री ने काही चंद्र चयो आकाश रे आवेल आशा भरा रे आशा भरा रे में आवियान मारे वाले रमारा रास रे आवेल आशा भरा हो आशा भरा ने में आवियान मारे वाले आवेल आश भर्या हेलो महाराज खेल रहे वादर हूँ क्या